बच्चों, आलो आधार पाठ की व्याख्या खत्म हो चुकी है। आज मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इस पाठ में कुल 6 प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्न हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी क्लास नोटबुक में लिखना है। क्योंकि इसमें 4 नंबर या 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, बेसिकली कम से कम 4 नंबर के आते हैं और 5 नंबर का भी हो सकता है, इसलिए सबके आंसर आपको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, बड़े विस्तृत उत्तर आपको इसमें लिखना है। मैं सारे प्रश्न को एक बार पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद उसका एक हिंट दे दूंगा। आपको यही एग्जैक्ट नहीं लिखना है, अपने हिसाब से, अपने शब्दों में, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, ऊपर नीचे करके आंसर आपको लिखना है। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो ये है, पाठ के किन अंशों से इस बात की सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व तो नहीं है। इस प्रश्न का दूसरा खंड है, क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न में कुल 2 भाग हैं। जो मुख्य भाग है वह पहला है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, समाज की यह सच्चाई पाठ के किन अंशों से उजागर होती है। तो सबसे पहला यह है कि पाठ के निम्नलिखित अंशों से, इसमें कई ऐसे अंश हैं जिससे हमारे वर्तमान भारतीय समाज की एक कड़वी सच्चाई, लेखिका के समय की समाज की सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। जो पहला दृश्य है वो ये है कि घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहां अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहां हो? तुम्हारा स्वामी वहां क्या करता है? तुम क्या यहां अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? इस तरह के प्रश्न उससे पूछे जाते। दूसरा दृश्य है, उसके लौटने में जब कभी देर हो जाती, मतलब कि बेबी के लौटने में जब कभी देर हो जाती, तो कहती है कि मुझे सभी ऐसे देखते जैसे वह कोई अपराध करके आ रही हो। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़े मकान मालिक की स्त्री कहती कि कहाँ जाती हो रोज रोज, तेरा स्वामी नहीं है, तू अकेली ही है, तुझे इतना घूमने फिरने की क्या दरकार, तुझे इतना बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो इस तरह के प्रश्नवाचक और संदेह भरी दृष्टि से उसको देखा जाता। तीसरा, जब बात आती है कि जब बेबी अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग तरह तरह की बातें करते, कितने ही लोग उसे सीटियां मारते और साथ में ताने भी मारते। चौथा है, आसपास के लोग एक दूसरे को बताते उसके बारे में, बेबी के बारे में, कि उसका स्वामी यहां नहीं रहता है, वह यहां अकेली ही रहती है, भाड़े के घर में अकेले बच्चों के साथ। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की भी चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे कमरे में आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह बहाना बनाकर बाहर निकल जाती। पांचवा दृश्य, मैंने यह भी एक देवी सोचती है कि क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी। ये कुछ ऐसे 4-5 मैंने उद्धरण दिए हैं इस पाठ से, जो कि सिद्ध करते हैं
कि हमारे समाज की जो मानसिकता है वह बेहद संकीर्ण, स्त्री के प्रति बेहद कठोर और निर्दयतापूर्ण है। उसे पुरुष के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन आज जो इस प्रश्न का दूसरा भाग है, दूसरा खंड है कि आज वर्तमान समाज में, ये तो लेखिका के समाज के समय की स्थिति थी, आज वर्तमान समाज काफी बदल चुका है। आज महिलाएं बड़े बड़े महानगरों में अकेली रहकर काम कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, अपना खुद का बिजनेस है, और उस पूरे स्वतंत्र अस्तित्व के साथ। तो आज भारतीय समाज की वह मानसिकता काफी बदली है, और इसका बदलने का जो कारण है वह है शिक्षा का फैलाव, शिक्षा का प्रसार। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते हैं उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होता है और कर्तव्यों का भी ज्ञान होता है, अपनी जिम्मेदारियों का भी ज्ञान होता है, और वैसे ही समाज की मानसिकता, विचारधारा बदलती चली जाती है। तो आज का जो समाज है वह काफी बदल चुका है। अब महिलाओं को जैसे जिस प्रकार से बेबी ने सामाजिक विद्रूपता, ताना, व्यंग झेला, उस तरह से आज की महिलाओं को या तो नहीं झेलना पड़ता या तो कम ही झेलना पड़ता है। मतलब आज का समाज काफी उदार इस मामले में हो गया है। वह स्त्री को उसके अस्तित्व के साथ आज जीने की वो इजाजत देता है। तो इस तरह से आज के समाज की मानसिकता काफी बदल गई है। दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार से तातुस के घर के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? बच्चों, इसे मैंने व्याख्या में बार बार कोट किया है, बार बार बताया है कि जब मुसीबत आती है तो खून के रिश्ते भी पानी हो जाते हैं और पराये रिश्ते भी अपने हो जाते हैं। अपने परिवार से लेकर तातुस के घर तक के सफर में बेबी ने रिश्तों की जो सच्चाई जानी वह हम सबके लिए बहुत अमूल्य है। उन रिश्तों की सच्चाई की कठोरता को महसूस करना, उस कड़वे अस्तित्व के, उस कड़वे अनुभूतियों को महसूस करना एक अलग ही तरह की अनुभूति है। बेबी ने जाना कि रिश्तों में वह असहाय थी, जो उसके पारिवारिक रिश्ते थे, खून के रिश्ते थे। वह अकेले ही बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती। इन रिश्तों में उसने जाना, इस पूरे सफर में उसने जाना कि रिश्तों का संबंध तो दिल से होता है, अन्यथा रिश्ते तो बेगाने हो जाते हैं। पति का घर छोड़कर वह अकेली और असहाय रहती है। वह खुद ही काम ढूंढती है, जबकि उसके समीप ही उसका सगा भाई और उसके रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं करता, कोई भी उसका हालचाल लेने नहीं आता, जब तक कि वह मुसीबत में थी, जब तक कि वह असहाय थी। यहां तक कि उसकी मां की मृत्यु का समाचार भी उसे नहीं प्राप्त हुआ, उसका मकान टूट गया तो भी उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। तो ये जो अपने सगे रिश्ते हैं, इन रिश्तों की कड़वी सच्चाई को वह बेबी महसूस करती है, जबकि दूसरी तरफ बाहरी व्यक्तियों ने उसकी सहायता की,
सुनील नामक युवक ने उसे काम दिलवाया। तातुस ने उसे बेटी के समान माना और उसकी हर तरह से मदद की। उनके प्रोत्साहन से वह लेखिका बनी। मकान टूटने के बाद भोला दा, जो कि जिससे उसका कोई संबंध नहीं था, रात भर उसके साथ खुले आसमान के नीचे बैठा रहा। इस प्रकार दिल में स्नेह हो तो रिश्ते अपने आप बन जाते हैं, और अगर यही एक चीज नहीं है तो अपने रिश्ते भी बेगाने और पराए हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इस पाठ से, जो आलो आधारित पाठ है, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। इस पाठ से घरों में काम करने वाले लोगों के जीवन की निम्नलिखित जटिलताओं का पता चलता है। पहला, घरेलू नौकरों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती, उनकी नौकरी कभी भी खत्म हो सकती है। दूसरा, उन्हें गंदे व सस्ते मकानों में रहना पड़ता है क्योंकि ये लोग अधिक किराया नहीं दे सकते। तीसरा, इन लोगों का शारीरिक शोषण भी होता है, नौकरानियों को अक्सर शोषण का शिकार होना ही पड़ता है। चौथा, इन लोगों के साथ मकान मालिक अशिष्ट व्यवहार करते हैं। और पांचवा, बेबी की तरह इन्हें सुबह से देर तक काम करना पड़ता है। जो अन्य समस्याएं हैं वो ये हैं, इन्हें अपूर्ण भोजन व दवाइयों के अभाव में जीवन गुजारना पड़ता है, अर्थात इन्हें पौष्टिक नहीं भोजन मिलता है और बीमार होने पर नहीं उचित तरीके से इलाज मिल पाता है, जिस वजह से इनके जीवन की जो दिशा और दशा है वो बहुत खराब होती है। दूसरा, धन के अभाव में इनके बच्चे अशिक्षित ही रह जाते हैं और उन्हें कम उम्र में दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। तीसरा, वे अक्सर आर्थिक संकट में फंसे रहते हैं, वो गरीबी के दुष्चक्र में ऐसे फंसे रहते हैं, वो सुबह से लेकर रात देर तक काम करते हैं, अपमान की जिंदगी जीते हैं, फिर भी गरीबी के दुष्चक्र से जीवन भर मुक्त नहीं हो पाते और उनके बच्चे भी उसी गरीबी के दुष्चक्र में पिसने के लिए अभिशप्त होते हैं। ये पारिवारिक नौकरों की विशेष कुछ ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से उनका जीवन बहुत ही नारकी और अभिशप्त होता है। इस पाठ का जो चौथा प्रश्न है, आलो आधारित रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को भी समेटे हुए है, किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। जहां तक मैं समझता हूं कि आलो आधारित जो रचना है इसमें बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं में कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं निहित हैं, जो कि बेबी के जीवन के माध्यम से उभारा गया है। जो मैं समझता हूं कि इनमें से जो दो मुख्य मुद्दे हैं वो हैं, एक परित्यक्ता स्थिति की क्या जीवन होता है वह बहुत अच्छे तरीके से उभारा गया है, और दूसरा, गंदी मलिन बस्तियों की क्या वास्तविक स्थिति होती है। लेखिका ने इन दो समस्याओं को, लेखिका के जीवन के माध्यम से ये दो समस्याएं बड़े प्रखर रूप में हमारे सामने आती हैं। खुद बेबी एक चूंकि एक परित्यक्ता है, वह किराए के मकान में रहकर घर में नौकरानी का काम करके गुजारा कर रही है। समाज का व्यवहार उसके प्रति बहुत कटु है, स्वयं औरतें ही उस पर ताना और व्यंग करती हैं, ताना मारती हैं और व्यंग करती हैं। हर व्यक्ति उस पर अपना अधिकार समझता है क्योंकि उसके साथ कोई मर्द नहीं रहता,
और अपने तरीके से उसका शोषण करना चाहता है। उसका मानसिक, शारीरिक व आर्थिक शोषण तो किया ही जाता है, उस पर तरह तरह की वर्जनाएं भी थोपी जाती हैं, तथा उसकी सहायता के नाम पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इस पाठ के माध्यम से उभरी है, वह गंदी मलिन बस्तियों की वर्तमान स्थिति अवस्था। जो घरेलू नौकर होते हैं वो तंग, गंदी और मलिन बस्तियों में रहते हैं। वहां न शौचालय की सुविधा है, न ही कोई साफ सफाई की सुविधा है। सबसे ज्यादा इससे जो कष्ट होता है वह महिलाओं को होता है। महिलाओं को इस मामले में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। नालियों, कूड़ेदानों आदि के निकट बसी इन बस्तियों में अनेक बीमारियां फैलने का भी भय बना रहता है, और सरकार इन गंदी मलिन बस्तियों के साफ सफाई और विकास के संबंध में आंख मूंद कर सोई रहती है। तो इन दो समस्याओं को इस पाठ के माध्यम से उभारा है। जो पांचवा प्रश्न है, तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? जेठू का यह कथन बताता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकट हों, कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो, कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, अगर मनुष्य के अंदर इच्छा शक्ति है, अगर मनुष्य के अंदर अपने लक्ष्य को पाने की, अपने को उत्तरोत्तर विकसित करने की अदम्य लालसा है, तो उसे उसका लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। आशापूर्णा देवी भी एक आम गृहिणी थी। उनका घर जो ससुराल के लोग थे बहुत ही कंजर्वेटिव विचारधारा के थे और पढ़ाई लिखाई से स्त्रियों को हमेशा दूर रखते थे। मतलब उनकी नजर में पढ़ना लिखना स्त्रियों का काम है ही नहीं। तो इसीलिए जब सारा कामकाज खत्म हो जाता था तो चोरी से छिपकर जब सारे लोग सो जाते थे तब आशापूर्णा देवी लेखन का कार्य करती थी, और ऐसा करके वो दुनिया की एक प्रसिद्ध लेखिका बनी। बेबी की स्थिति भी बहुत ही विकट है, संघर्षपूर्ण है। उसके सामने रहने की समस्या है, खाने की समस्या है, जीविका की समस्या है। अकेले स्त्री के समक्ष पूरे समाज के ताने, व्यंग और अपमान की समस्या है। इन समस्याओं से बेबी रूबरू होती है और इसके पश्चात भी वह लेखिका बनती है। तो जो जेठू हैं, वह आशापूर्णा देवी के माध्यम से वह इस सत्य को उद्घाटित करते हैं कि मनुष्य का जो प्रोत्साहन है वह बहुत असरकारी होता है, और प्रोत्साहित होकर मनुष्य बहुत कुछ वो कर सकता है जो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता करने के बारे में। और ऐसा असर लेखिका पर होता है और वह भी एक लेखिका, प्रसिद्ध लेखिका बन जाती है। जो छठा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? हालांकि इसमें मैं एक दृश्य दे रहा हूं, अपनी एक कल्पना की झांकी दे रहा हूं, इसमें आप लोग अपने तरीके से भी मौलिक रूप से सोचकर इस पे अपनी लिख सकते हैं।
तातुस के संपर्क में आने से पहले बेबी कई घरों में काम कर चुकी थी। उसका जीवन कष्टों और संघर्षों से भरा था। तातुस के परिवार में आने के पश्चात उसे आवास, वित्त और भोजन आदि समस्याओं से राहत मिल गई। यहाँ उसके बच्चों का पालन पोषण भी ठीक से होने लगा। यदि उसकी जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन अंधकारमय था और अंधकारमय ही रहता। उसे गंदी बस्तियों में रहने के लिए ही विवश होना पड़ता। उसके बच्चों को शिक्षा शायद ही नसीब होती क्योंकि उसके पास आय के स्रोत ही बहुत सीमित थे। बच्चे या तो आवारा बन जाते या तो बाल मजदूर बन जाते। जैसा कि उसका जो बड़ा बेटा था वो बाल मजदूरी कर ही रहा था। अकेली औरत होने के कारण उसे समाज के लोगों से अश्लील व्यवहार का भी सामना करना पड़ता और उसके पहले तो पड़ ही रहा था, अपित उसे आवारा लोगों के शोषण का भी शिकार होना पड़ सकता था। लड़का तो शायद ही उसे मिल पाता, जो उसका बड़ा लड़का काम पर गया था तो उसके बारे में तो बेबी को कोई जानकारी ही नहीं थी। तातुस ने उसे ढूंढकर बेबी से मिलाया था तो उसे शायद ही मिल पाता। उसके पिता भी उसे याद नहीं करते और मां की मृत्यु का समाचार भी उसे नहीं मिलता। बेबी को अगर उसकी अच्छी स्थिति ना होती तो क्यों कर उसके पिता आते और उसकी मां की मृत्यु का समाचार भी उसे जीवन भर न मिल पाता। इस तरह बेबी का जीवन चुनौतीपूर्ण और बेहद अंधकारमय होता। चूंकि इसी अंधकार से निकलकर वह प्रकाश की तरफ आई है, इसीलिए इस रचना का नाम ही है आलो अंधार, अंधेरे से उजाले की ओर। कुल मिलाकर अगर तातुष और उनका परिवार बेबी को न मिलता तो आज ये आलो आधारी रचना हम सबके समक्ष न होती और इस तरह से एक साहसी, स्वाभिमानी, चतुर और विवेकवान स्त्री के जीवन के बारे में जानने से हम वंचित रह जाते। तो निश्चित रूप से इसमें तातुष और उनके परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस उजाले को इस पूरे समाज में, भारतीय समाज में फैलाने के लिए। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न हैं जिसको मैं आपको लिख कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिख कर डाल दूंगा और उन प्रश्नों का उत्तर आपको खुद ढूंढकर लिखना है कॉपी में। तो ये छह प्रश्न के उत्तर दिए वो, और कुछ प्रश्न मैं अलग से दूंगा, उन प्रश्नों के, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी क्लास नोटबुक में लिखना है।